हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम गाइटन और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 36। आज के वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा एंड द चैप्टर इज अबाउट ब्लड टाइप्स ट्रांसफ्यूजन एंड टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टुडे एंड अ वेरी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। उसका रीज़न ये है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये आपकी पूरी मेडिकल कैरियर में एक पाइवेटल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ब्लड एंटीजन टाइप्स, ब्लड एंटीबॉडी टाइप्स और इनके रिएक्शंस और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ये बात समझ में नहीं आई, देन यू विल हैव वेरी टफ टाइम और अपने पूरे क्लिनिकल कैरियर में सेवरल टाइम्स यू विल एनकाउंटर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो पे फुल अटेंशन एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो आइए पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं विच इज एंटीजेनिसिटी causes immune reaction of the blood। अच्छा देखो चैप्टर के आउटसेट पे एक बात आपको बता दूं, हम ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एंटीजन और दूसरा वर्ड है एंटीबॉडी। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे। एंटीजन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यून रिएक्शन एलिसिट करती है यानी स्टार्ट करती है, और एंटीबॉडी का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटीजन के साथ बाइंड करती है। तो ये दो वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे। एंटीजन के लिए एक वर्ड और यूज होगा और वो दूसरा यूज होने वाला वर्ड है एग्लूटिनोजेन। ओके, तो एंटीजन या एग्लूटिनोजेन, ये एग्लूटिनोजेन भी जब जब वर्ड यूज होगा इट मींस द सेम थिंग एंटीजन। और एंटीबॉडी के लिए एक वर्ड बार बार यूज होगा, दैट इज एग्लूटिनिन। ओके, सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ शुरू में ही ताकि आपको स्टार्ट से पता हो कि जब कभी वर्ड एग्लूटिनोजेन यूज होगा दैट इज एंटीजन। और ये याद रखना आसान भी है, एग्लूटिनोजेन आखिर में GEN और एंटीजेन GEN और एग्लूटिनिन इज द एंटीबॉडी। ओके, तो ये अभी से नॉमनक्लेचर पता हो तो अब ये बात करते हैं कि जी एंटीजेनिसिटी। व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वर फर्स्ट अटेम्प्टेड, इमीडिएट और डिलेड एग्लूटिनेशन एंड हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल अकर्ड। एग्लूटिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन and this is person is giving blood to this particular person, okay? So hum, what we are doing is ki iska blood group jo bhi hai abhi mujhe nahi pata, but what was observed ki agar is person ko blood transfer kiya gaya because this person needed blood, koi bhi wajah ho sakti hai, accident hai, operation hai, whatever, this person needs blood, aur agar is person mein blood transfer kiya gaya hai, so what would happen ki agar in dono ke blood group mein mismatch hai jo ki aage is pure chapter mein hum padhenge, us mismatch ki wajah se होगा ये कि जो डोनर जो ब्लड दे रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, डोनर। तो होता ये है कि जो डोनर के रेड ब्लड सेल हैं उस पर रेसिपिएंट का मतलब होता है जो ब्लड ले रहा है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है। सो डोनर के रेड ब्लड सेल पर रेसिपिएंट की एंटीबॉडी अटैक करती है जिसकी वजह से क्लम्प्स बन जाते हैं। इन क्लॉट्स को नाम देते हैं एग्लूटिनेशन, और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो हैं दे रप्चर, सो हिमोलिसिस होती है। सो इस तरह का प्रोसेस हो रहा है अगर दोनों डोनर और रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच्ड है। तो इनिशियली ये देखा गया जब ये सब चीज़ें अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हुई थी कि कौन कौन से ब्लड एंटीजेंस होते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ये बड़ा कॉमन था, किसी का ब्लड किसी में डाला और ये रिएक्शन हुआ और बंदा आई मीन द पर्सन डाइड, दिस वॉज वेरी वेरी कॉमन। ओके, बट देन सून इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द ब्लड टाइप्स ऑफ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एंटीजेनिक एंड इम्यून प्रॉपर्टीज। पहले ये समझते थे कि भाई सबका ब्लड एक ही जैसा है, लाल रंग का होता है, सुर्ख रंग का इसका कलर है, तो शायद ब्लड एक ही जैसा है। बट जब इस तरह की डेथ्स होने लगी कि भाई किसी का ब्लड डाल रहे हैं तो मामला चल रहा है, किसी का ब्लड डाल रहे हैं तो बंदे में एग्लूटिनेशन डेथ हो रही है, सो उनको ये आइडिया आया कि यार हो सकता है कि लोगों के ब्लड ग्रुप अलग अलग हों, उनमें एंटीजन और इम्यून प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, जो कि अब हमें पता है कि अलग अलग हैं। ओके, नाउ सो द इम्यून प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सो दैट द एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा ऑफ वन ब्लड विल रिएक्ट विद द एंटीजेंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द RBCs ऑफ द अदर ब्लड। यानी जिसका ब्लड डाला जा रहा है उसके रेड ब्लड सेल पर जो एंटीजेंस हैं रेसिपियंट की एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगी, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओके, इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन वन कैन डिटरमाइन अहेड ऑफ टाइम वेदर द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन प्रेजेंट इन द डोनर एंड द रेसिपियंट। डोनर ब्लड देने वाला, रेसिपियंट ब्लड
लेने वाला विल कॉज अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. अब ऑब्वियसली एडवांस एरा है, आप लोग ज़ाहिर चैट जीपीटी के ज़माने में रह रहे हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज़ कि इफ़ यू हैव दिस पर्सन और इस पर्सन का ब्लड अगर इस पर्सन में ट्रांसफ़र करना है, सो ऑब्वियसली यू कैन चेक दिस पर्सन कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, यू कैन चेक दिस पर्सन इसका ब्लड ग्रुप क्या है, एंड इफ़ दे मैच फॉर सर्टेन एंटीजेंस देन ओनली यू कैन ट्रांसफ़र द ब्लड, अदरवाइज यू डोंट. ओके, पहले ये नहीं करते थे, पहले बस आंख बंद की ब्लड डाल दिया. अब बिफोर ट्रांसफ्यूजन वी कैन एक्चुअली डिटरमाइन कि किसका ब्लड टाइप क्या है. ओके, अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि एंटीजन एंटीबॉडी, अब इस पूरे चैप्टर में ना यही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट पे बड़ा अच्छे से फोकस करने वाला हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो. एक बात तो मैंने अभी तक आपको ये बता दी कि वर्ड एंटीजन और एग्लूटिनोजन एक ही है. फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि वर्ड एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन एक ही चीज़ है, और एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर अगर रिएक्शन करेंगे तो इसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन. ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब एक बात और समझो. सपोज दिस इज अ पर्सन, देखो इस पर्सन में, दिस पर्सन हैज़ रेड ब्लड सेल्स, ये इसका आरबीसी है. ओके, नाउ द रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर देर आर एंटीजेंस. सो एंटीजेंस का जहां कहीं जिक्र आएगा इस पूरे चैप्टर में, वो एंटीजेंस की लोकेशन क्या होगी? रेड ब्लड सेल. ठीक है, अच्छा इस बंदे में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो दिस पर्सन ऑल्सो कंटेन्स प्लाज्मा, है ना? इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल तो नहीं है ना, देर इज ऑल्सो प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या चीज मौजूद होती है? एंटीबॉडी. सो अब ये दो जो टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर में बार बार मैं यूज करूंगा, एंटीजन और एंटीबॉडी. तो जब कभी मैं ये वर्ड यूज करूं एंटीजन, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि मैं जिक्र कर रहा हूं रेड ब्लड सेल की सरफेस का, और जब कभी मैं वर्ड यूज करूं एंटीबॉडी, आपको समझ जाना है कि मैं जिक्र कर रहा हूं प्लाज्मा का. सो हमारे में जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, दे कंटेन द एंटीजन, और जो प्लाज्मा है इट कंटेन्स द एंटीबॉडी. सबकी यही स्टोरी है, मेरी बॉडी में भी ऐसा ही है. सपोज दिस इज माई बॉडी और ये मेरी बॉडी का रेड ब्लड सेल है, तो इसकी सरफेस पर यहाँ क्या चीज़ होगी? एंटीजन. और मेरी बॉडी में जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी. सो एंटीजन या एग्लूटिनोजेन, एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन. और बिल्कुल मैं स्लो हो के आराम से ये कॉन्सेप्ट आपको एक ही दफ़ा में समझा देना चाहता हूँ कि जब कभी इस चैप्टर में वर्ड एंटीजन यूज़ होगा, सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, एंटीबॉडी का वर्ड यूज़ होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा. ओके, नाउ एटलीस्ट 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजेंस, एंटीजेंस का मतलब किसका जिक्र हो रहा है? रेड ब्लड सेल की सरफेस. एंड हंड्रेड्स ऑफ रेयर एंटीजेंस, ईच वन ऑफ व्हिच कैन एट टाइम्स कॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेल्स. मोस्ट ऑफ द एंटीजेंस आर वीक एंटीजेंस, देयरफॉर आर ऑफ इंपॉर्टेंस प्रिंसिपली फॉर स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स. सो इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इन रेड ब्लड सेल्स पर देयर आर एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ एंटीजेंस आइडेंटिफाइड, लेकिन इनमें से बहुत ही कम एंटीजेंस वो हैं जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, या यूं कह लीजिए कि जो हमारी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें हमने ये देखा है कि ये वाला जो एंटीजन ग्रुप है, अभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में, वो एंटीजन ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉजिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. और ऐसे दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को हम नाम देते हैं ABO सिस्टम या OAB सिस्टम, इसको ये भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ABO सिस्टम. सो OAB या ABO सिस्टम, ये एंटीजन इंपॉर्टेंट है. और फिर एक एंटीजन इंपॉर्टेंट है RH एंटीजन, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे. सो आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, दीज टू एंटीजन सिस्टम्स आर प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. ओके, टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर मच मोर लाइकली देन अदर्स टू कॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. और वो दो एंटीजन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? द OAB सिस्टम and the RH recess system. अब हम इनको वन बाय वन करके ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि RH सिस्टम क्या है, OAB सिस्टम. पहले OAB सिस्टम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट रहे आपको, ये OAB और RH क्या है? दीज आर द एंटीजेंस. और मैंने यहां क्या बताया कि जब कभी वर्ड एंटीजन यूज करूं, इसका मतलब वो कहां मौजूद है एंटीजेंस? दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल. सो एंटीजेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है इस चैप्टर के एंड तक.
अब आओ बात करते हैं ओ ए बी एंटीजेंस की। आज ये बहुत ही कॉमन एक सिनेरियो है, आपने अक्सर सुना होगा लोगों से ब्लड ग्रुप पूछते हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, या समटाइम्स किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। सो ये चार तरह की कैटेगरीज ब्लड ग्रुप में यूजुअली लोग बता रहे होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन वन एज यू कैन सी है, ऑब्वियसली ये वेस्ट के स्टेटिस्टिक्स हैं, 47% ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव ओ ब्लड ग्रुप, 41% ए ब्लड ग्रुप, 9% बी एंड 3% ए बी। अब जो कहता है ना मेरा ब्लड ग्रुप ए है, उसका सिंपल मतलब ये है कि उसके रेड ब्लड सेल पर कौन सी एंटीजन मौजूद है, ए एंटीजन मौजूद है। अगर कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब यह है कि उसके रेड ब्लड सेल पर कौन सी एंटीजन मौजूद है, बी एंटीजन मौजूद है। एंड इफ समबडी सेज माय ब्लड ग्रुप इज ए बी, सो उसकी रेड ब्लड सेल की सरफेस पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। सो देयर इज ए एंटीजन एज वेल एज बी एंटीजन। सो अगर ए एंटीजन होगी तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होगी तो बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों एंटीजन होंगी तो ए बी। तो ओ क्या चीज होगा भाई, ओ का मतलब यह है कि ऐसा रेड ब्लड सेल जिस पर इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन मौजूद है ना बी एंटीजन मौजूद है। कहने का मकसद यह है कि ये रेड ब्लड सेल ए और बी दोनों के बगैर है, इसलिए ये ओ। ओ का एक्चुअली मतलब है जीरो, दिस इज जीरो, ओ भी नहीं है, जीरो। जीरो मतलब ना ए है ना बी है। ओके, तो ये चार तरह के ब्लड ग्रुप्स का ये मतलब है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई आराम से। Now two antigens A and type B occur on the surface of the red blood cells in large portion of people. If these antigens, अच्छा एंटीजन का दूसरा नाम क्या होता है, एग्लुटिनोजेन, ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। दीज एंटीजेंस ऑल्सो कॉल्ड एग्लुटिनोजेंस बिकॉज दे ऑफन कॉज आरबीसी एग्लुटिनेशन दैट कॉज मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो ये हैं भाई कल्प्रेट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। बिकॉज ऑफ हाउ दीज एग्लुटिनोजेंस आर इनहेरिटेड, मैनी पीपल हैव नाइदर ऑफ देम, यानी होते ही नहीं है ओ ब्लड ग्रुप। सम हैव ओनली वन ऑफ देम ए या बी, एंड सम मे हैव बोथ ऑफ देम ए और बी। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एंटीजन किस तरह अवेलेबल है, वैसा ब्लड ग्रुप बन जाता है उस इंडिविजुअल का। अगर सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए, सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों मौजूद हैं ए बी और कोई मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, नाउ मेजर ओ ए बी ब्लड टाइप्स इन ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, द ब्लड ऑफ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ब्लड ग्रुप टाइप्स। ये चार ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एग्लुटिनोजेंस ए एंड बी। When neither A nor B agglutinogen is present, the blood group is O. When only one A agglutinogen is present, it is blood group A. When B is present, the blood group is B. When both are present, the blood group is AB. So this is something we have done. Now, genetic determination of agglutinin, this is an important heading, क्योंकि यहाँ पे concept है alleles का। देखो बात ये है कि हमारे पास जो chromosomes हैं, they are जो red blood cell के, say for example, जो chromosomes होंगे, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो रहा होता है तो उस वक्त बोन मैरो में जो इनिशियल एरिथ्रोब्लास्ट्स बनते हैं उनमें तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम होते हैं। सो उस वक्त ये एंटीजेंस बन जाती हैं। सो क्रोमोसोम्स का हिसाब किताब ऐसे होता है कि सपोज एक लोकस, वन इज ऑब्वियसली फ्रॉम फादर एंड वन इज फ्रॉम मदर। सो अगर एक लोकस पर एंटीजन ए के लिए जीन मौजूद है और उसके अपोजिट लोकस पर भी एंटीजन ए के लिए जीन मौजूद है, सो इस बंदे का जो जीनोटाइप है, द जीनोटाइप विल बी ए एन ए, बिकॉज इसके फादर से जो क्रोमोसोम आया है उस पर भी ए एंटीजन के लिए जीन मौजूद है, और उसकी मदर से भी जो क्रोमोसोम आया है उसमें भी जो जीन है वो ए एंटीजन के लिए कोड कर रही है, तो इसका जीनोटाइप बनेगा डबल ए। और इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, द ब्लड ग्रुप विल डेफिनेटली बी ए, क्योंकि दोनों ए हैं तो जीनोटाइप डबल ए, होमोजाइगस ए का मतलब है एंटीजन ए बनेगा और ब्लड ग्रुप ए होगा। अच्छा, समटाइम्स द सिनेरियो इज लाइक दिस कि फादर से एंटीजन ए ड्राइव हुआ और मदर से यहां पर कोई एंटीजन नहीं है, जीरो। अब
ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो जीनोटाइप क्या बन जाएगा, नाउ द जीनोटाइप विल बी ए ओ, लेकिन इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा क्योंकि एक ए की जीन मौजूद है, दूसरे नहीं है तो क्या हुआ, एक तो है ना, तो ब्लड ग्रुप ए। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ ओ मदर से जो जीनोटाइप आया है वो बी एंटीजन के लिए है, इस सिनेरियो में बेबी का जो भी जीनोटाइप बनेगा दैट विल बी ए बी, ए बी है और बी भी है। अब ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब ब्लड ग्रुप सिर्फ ए नहीं हो सकता, बिकॉज अब ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि फादर से भी कोई एंटीजन नहीं बन रही, मदर से भी जीरो जीन, इस सिनेरियो में जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप विल बी जीरो जीरो, और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप विल बी ब्लड ग्रुप ओ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनोटाइप। इस टेबल को हम देखें, इफ द जीनोटाइप इज ओ ओ, यानी फादर से भी नो एंटीजन, मदर से भी नो एंटीजन, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। और अगर जीनोटाइप ये होगा, यानी किसी एक पेरेंट से कोई एंटीजन की जीन नहीं है, किसी दूसरे पेरेंट से ए एंटीजन की जीन है, या अगर जीनोटाइप ऐसा होगा दोनों पेरेंट से एंटीजन ए, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस ए, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस ए, इन दोनों सिनेरियोज में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। इसी तरह इन दोनों सिनेरियोज में जिसमें हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस जीन्स हैं फ्रॉम पेरेंट्स, तो ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर दोनों जीन्स आ गई हैं फादर और मदर से, देन द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। सो ये जो सारा डिस्कशन यहाँ मैंने आपको करके दिखाया है, दिस इज ऑल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने समझ लिया कि जीनोटाइप क्या होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो रेड ब्लड सेल पर एंटीजन कौन सी है, एंटीजन होगी ए। सिंपल है यार, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लव्स एंटीजन की जगह क्या लिखा हुआ है, एग्लूटिनोजेन, और ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि एंटीजन इज इक्वल टू एग्लूटिनोजेन, सो एंटीजन एग्लूटिनोजेन इज द सेम थिंग। तो ब्लड ग्रुप ए होगा तो एग्लूटिनोजेन कौन सी होगी रेड ब्लड सेल पर, ए। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो रेड ब्लड सेल पर कौन सी एंटीजन होगी, बी एंटीजन होगी, ओके। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो रेड ब्लड सेल पर एंटीजन कौन सी होगी, ए एंटीजन भी होगी और बी एंटीजन भी होगी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है, सो दिस विल बी ब्लड ग्रुप ओ, ना ए है ना बी है, ओके। ये वाला जो कॉलम है इसको भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये टेबल समझ में आ गया, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। राइट, जेनेटिक डिटर्मिनेशन ये हेडिंग थी, तो मैंने आपको ये समझा तो पूरा दिया है, अब मैं ये आपको पढ़ा देता हूँ। द ए बी ओ ब्लड ग्रुप जेनेटिक लोकस हैज थ्री एलील्स, तीन है ना, ए बी एंड ओ, विच मीन्स थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, दीज आर आइदर ए बी और नथिंग। अच्छा, आई इसलिए शो करते हैं बिकॉज इम्यूनोग्लोबुलिन इसका ये सिंबल है आई का, और अभी आगे जितनी भी बात होगी वो ये होगी कि अगर जीन ये मौजूद है तो एंटीजन ए बनेगी, अगर जीन ये मौजूद है तो एंटीजन बी बनेगी, और अगर कोई जीन नहीं मौजूद तो एंटीजन भी कोई नहीं बनेगी, ओके। नाउ टाइप ओ अलील इज फंक्शनल लेस और ऑलमोस्ट फंक्शनल लेस बिकॉज कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, सो इट कॉजेज नो सिग्निफिकेंट टाइप ओ एग्लूटिनोजेन ऑन द सेल। ओ का मतलब है ना ए एंटीजन मौजूद है ना बी एंटीजन मौजूद है, ओके। कन्वर्सली टाइप ए एंड टाइप बी एलील्स डू कॉज स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनोजेन ऑन द सेल्स। ए जीन अगर मौजूद होगी तो एंटीजन ए बनेगी, बी जीन अगर मौजूद होगी तो एंटीजन बी बनेगी। दस ओ अलील इज रेसेसिव टू बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिनेरियो ऐसा है कि जीनोटाइप ए और ओ है, सो द ब्लड ग्रुप विल बी ए, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग, है तो ये को डोमिनेंस, लेकिन इस बेचारे के पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो ए विल टेक ओवर। और ये बात हमने यहाँ की भी थी, देखें अगर ये जीनोटाइप है ओ ए तो ब्लड ग्रुप ए वाला बन जाएगा, ओके। Now, because each person has two sets of chromosome, one from father, one from mother, ये बात हमको अच्छी तरह पता है, only one of the allele is present on each of the chromosome. However, the presence of three different allele means that there are six possibilities. A person can have six possibilities like this. A person can be like this, so nothing on father, nothing on mother, blood group O.
A person can be like this. Nothing on father or mother. I mean, it really depends. Say for example, A on the other parent. This blood group will be blood group A. This blood group will be blood group O. What do you think this blood group will be? This will be blood group B. What do you think this will be? This will be blood group A. What do you think this will be? This will be blood group B. And this will be blood group B as AB as well. Okay. So A and B, they both are present. So these are six possibilities. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So aap genotype dekh ke aapko aana chahiye. So spend some time here understanding and mastering this concept ki when you are giving the genotype agar dekhen aap ye wala column to aapko pata hona chahiye ki blood group kya banega aur usme antigen kaun si hogi. Theek hai, to ye teenon headings aapko ye table acche se samajh mein aana zaruri hai. Right, so this is also given in this table which we have already discussed. Okay. Right, relative frequencies, ये मैं बता चुका हूँ कि सबसे common जो blood group type है, that is blood group O, followed by blood group A, B and then AB, which is the rarest of all. It is obvious from these percentages that O and A genes occur frequently, whereas B gene occur infrequently. Okay? By the way, my blood group is blood group B positive. So, this is one of the rare things. Okay. Now, agglutinins. When type A agglutinogen, अब ये यार ये हेडिंग जो है ना यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मेस करते हैं और ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि एटलीस्ट आप मेस ना करें क्योंकि आप डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो मैं ज़रा ये पहले कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम शायग्राम अपनी जो मेरी बेकार सी डायग्राम्स होती हैं वो बना के समझा दूँ, फिर टेक्स्ट पढ़ाऊँगा तो बात समझ में अच्छे से आ जाएगी. डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाऊँगा तो जैसे खुद किताब पढ़ के कन्फ्यूज रहते हो ऐसे मेरे किताब पढ़ा के भी कन्फ्यूज ही रहोगे. सो आओ बात करते हैं. सो सपोज Okay, we have this person और एक बंदा ये है जिसकी मैं आपको डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका जो रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल पर जो एंटीजन है वो है ए एंटीजन. अच्छा, इसको मैं एंटीजन कहूँ या इसका दूसरा नाम क्या होगा? एग्लुटिनोजन. सो इसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन मौजूद है, एंटीजन ए. गौर से सुनो ये कॉन्सेप्ट. अच्छा, दूसरी चीज इस बंदे के पास क्या है? इस बंदे के पास प्लाज्मा भी तो है और उस प्लाज्मा में क्या है? उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी है. अब सवाल यहां ये उठता है कि ये जो एंटीबॉडी है, पहले तो ये बताओ कि एंटीबॉडी को और क्या कहते हैं. एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लुटिनिन. सो इस बंदे के पास एग्लुटिनोजिन कौन सा है? ए. अब मैं जो जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो ये कि एग्लुटिनोजिन तो ए है, एग्लुटिनिन यानी एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो अब इसको जरा गौर से समझो. अब एक एंटीबॉडी का मैं यहां नाम लिखता हूं, उस एंटीबॉडी को हम लिखते हैं एंटी ए. अब कॉमन सेंस की बात जरा समझने की कोशिश करो यार इस बात को. अगर इस बंदे के प्लाज्मा में एंटी ए होगा, इसके तो नाम से जाहिर है ना, ये ए के एंटी है, आपके ख्याल में क्या ऐसा नहीं होगा कि ये एंटीबॉडी जाकर के इस एंटीजन पर अटैक करेगी और क्लंपिंग हो जाएगी, ये बंदा मर जाएगा यार. अगर इसके पास एंटीजन ए है तो ये बात तो तय है कि इसके पास एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती यार, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगी तो एंटी ए यानी ए को जाके एंटी ए को खत्म कर दो यार. ऐसा कौन करता है? अपने प्लाज्मा में ऐसी चीज कौन रखता है जो अपने रेड ब्लड सेल की एंटीजन को खत्म कर दे? तो इसमें एंटी ए नहीं हो सकता. अच्छा, दूसरी एंटीबॉडी मैं लिख रहा हूं यहां पे, जरा इसको गौर से देखो, एंटी बी. एंटी बी इस बंदे में होगा. उसका रीजन ये है क्योंकि इस बंदे के पास, मुझे बताओ एंटीजन कौन सी है? एंटीजन ए है. तो एंटीजन ए का मतलब यह है कि यह एंटी बी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. यह किसके साथ रिएक्ट करेगा? यह रिएक्ट करेगा बी एंटीजन के साथ, और बी एंटीजन तो इस बंदे में है ही नहीं. बात समझ में आ रही है? मैं एक दफा दोबारा बता रहा हूं, इसको जरा गौर से वीडियो को रोक के देखो, रिवाइंड करके देखो, भाई जो करके देखना है देखो, बात को समझो. इस बंदे के पास, आपको पता है हम दो चीजें डिस्कस करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चैप्टर में, एक रेड ब्लड सेल पर एंटीजन कौन सी है और मैं बता रहा हूं कि इस पर एंटीजन ए है, दूसरी हम बात डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है. ठीक है, अब प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी नहीं हो सकती जो इस एंटीजन के साथ जाके रिएक्ट करे, यानी एंटी ए नहीं हो सकती. एंटी ए अगर होगी तो दैट्स अ बैड न्यूज, मसला है ये. और नेचर आपको ऐसा बनाती नहीं है कि जो एंटीजन होती है ना वो एंटीबॉडी नहीं होती आपके अंदर. और दूसरी एंटीबॉडी की possibility क्या है? That is anti B. इस बंदे में anti B हो सकता है क्योंकि ये जाके A के साथ react नहीं करने वाला, ये A के साथ react बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये react किसके साथ करेगा? ये B antigen के साथ react करेगा. तो अब अगर मैं आपको summarize कर दूं, जिस बंदे में, गौर से सुनो, अब ये जुमला जो आने लगा है, golden words हैं, golden words, सुनो, जिस बंदे में
जो एंटीजन होती है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है. सिंपल इज दैट. अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी. अगर इस बंदे में मैं आपसे कहता कि ए नहीं बल्कि बी एंटीजन है तो अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए. ये सिंपल याद रख लो कि जो एंटीजन होगी उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है. ठीक है. सो अब मैं आपको चार सिनेरियोज बता रहा हूँ. सो लेट अस डिस्कस फोर सिनेरियोज. और ये चार सिनेरियोज आपने मुझे बताने हैं इनके आंसर्स. मैं चार बंदे बना रहा हूँ. दिस इज बंदा नंबर वन. This is banda number 2. What a beautiful banda. This is banda number 3. And this is banda number 4. Banda number 4 सबसे दूर खड़ा हुआ है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो banda number 1 है इसके पास antigen है A. मुझे बताओ antibody कौन सी होगी? इसके पास antibody होगी anti B. अब ये जो banda number दूसरा है इसके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि antigen है B. तो अब इसके पास antibody कौन सी होगी? Anti A. अब ये जो बंदा है मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पास एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी है क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए बी है. इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. क्योंकि सोचो अगर इसके पास एंटाई ए होती तो वो जाके इस ए के साथ रिएक्ट करती. अगर इसके पास एंटाई बी होती तो वो जाके बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती. तो इसके पास कोई एंटीबॉडी होनी ही नहीं चाहिए. इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है. ओके. और अगर एक बंदा ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है भाई, तो जब एंटीजन ही कोई नहीं है तो इसके पास एंटाई ए भी होगी एंटीबॉडी और इसके पास एंटाई बी भी होगी एंटीबॉडी. जब दोनों एंटीजन निष्ठा तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंटीबॉडी होंगी. जब दोनों एंटीजेंस होंगी तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. जब ए होगा एंटीजन तो बी होगा एंटीबॉडी, बी होगा एंटीजन तो ए होगा एंटीबॉडी. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू मस्ट मास्टर दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे इस चैप्टर में यूज करेंगे. ओके. तो अब ये हेडिंग पढ़ते हैं, बात समझ में आएगी. व्हेन ए टाइप एग्लूटिनोजन इज नॉट प्रेजेंट इन पर्संस आरबीसी, एंटीबॉडीज नोन एज एंटाई ए एग्लूटिनिन्स आर प्रेजेंट. सो जब ए मौजूद नहीं होता तो एंटाई ए डेवलप हो जाती है. दोबारा चलो इस डायग्राम पे. यहाँ ए मौजूद नहीं है तो एंटाई ए डेवलप हो गई. एंड सेम अप्लाइज फॉर द अदर ब्लड ग्रुप्स. ओके. सिमिलरली व्हेन बी एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट एंटाई बी डेवलप्स. ओके. अब एक टेबल यहाँ पर है, ये वाला. मैंने आपसे कहा था कि लास्ट कॉलम छोड़ देते हैं. अब इस टेबल को समझते हैं भाई, और ये टेबल अब समझना बहुत ज़रूरी है. आपको जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट पता है. ब्लड ग्रुप ए से शुरू करते हैं. दिस पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए, जिसका मतलब है एंटीजन कौन सी होगी? ए. और एंटीबॉडी कौन सी होगी? ऑपोजिट एंटी बी. ठीक हो गया. अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सी होगी? बी. और एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटाई ए. ऑपोजिट होती है. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी. और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडी, देखो दोनों हैं, एंटाई ए भी है और एंटाई बी भी है. ये डायग्राम याद रखनी है, चार बंदों वाली. सो ये जो टेबल मैंने आपको भी दोबारा दिखाया, टेबल 36.1, नोट दैट टाइप ओ ब्लड ऑल्दो कंटेनिंग नो एग्लूटिनोजेंस यानी नो एंटीजेंस डज कंटेन बोथ एंटीबॉडीज एंटाई ए एंड एंटाई बी. सो बेसिकली अगर आप ये टेबल याद रख लो, दिस टेबल और ये वाली मेरी डायग्राम्स याद रख लो, तो आपको पता ये होना चाहिए कि जीनोटाइप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो एंटीजन कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी कौन सी. आधे बच्चे तो यार इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं. उनको यही नहीं समझ में आता कि एंटीजन, मुझसे एक्चुअली एक बच्चे ने सवाल किया, कहने लगा सर एंटीजन और एग्लूटिनोजन में क्या फ़र्क है? ओ माय गॉड. मैंने उसे कहा भाई कोई फ़र्क नहीं है. और अगर आप मुझसे ये पूछें कि एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन में क्या फ़र्क है, भाई कोई फ़र्क नहीं है. सो मैंने ये इसीलिए इस चैप्टर के शुरू में आपको बता दिया कि एंटीजन इज इक्वल टू एग्लूटिनोजन, एंटीबॉडी इज इक्वल टू एग्लूटिनिन. ये समझ में आएगा तो पढ़ने में समझ में आएगी बात. ठीक है. नाउ टाइटल्स ऑफ एग्लूटिनिन्स एट डिफरेंट एजेस. एग्लूटिनिन बोले तो एंटीबॉडी. नाउ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द क्वांटिटी ऑफ द एग्लूटिनिन्स in the plasma is almost zero. At 2 to 8 months after the birth, an infant begins to produce, yani banna shuru hoti hain 2 se 8 mahine baad antibodies. Anti-A agglutinins, when type A agglutinins are agglutinogens are not present. So anti-A tab banega jab type A nahi hoga aur anti-B tab banega jab type B nahi hoga. A maximum titer is reached about 8 to 10 years. Isme basically yaad rakhna hai ki jab hum paida hote hain to hamari body mein antibodies ka titer strong nahi hota. After 2 to 8
मांस ये बनना शुरू होता है एंड 8 to 10 years पर जाके इट पीक्स मैक्सिमम टाइटर इस वक्त होता है, ठीक है, और उसके बाद इट यूजली स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ. नाउ ओरिजिन ऑफ एग्लूटिनिन्स इन द प्लाज्मा. एग्लूटिनिन्स मतलब एंटीबॉडी की बात हो रही है, एग्लूटिनिन्स मतलब एंटीबॉडी. आर गैमा ग्लोबुलिन, सो दीज आर बेसिकली एंटीबॉडीज, गैमा ग्लोबुलिन्स हैं, आर ऑलमोस्ट ऑल एंटीबॉडीज एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द सेम बोन मैरो में ये बनते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर IgM और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स. बट वाई आर दीज एग्लूटिनिन्स प्रोड्यूस इन पीपल हु एक्चुअली डू नॉट हैव द रिस्पेक्टिव एग्लूटिनोजेन इन द RBCs? दैट्स अ रेलिवेंट क्वेश्चन. देखो हम बात ये कर रहे हैं कि दिस इज अ पर्सन और इस बंदे का मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल पर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है. तो एंटीजन जब ए होता है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है यानी एंटी बी इसमें होगा. अब ये एंटी बी एंटीबॉडी क्यों डेवलप हुई? बी एंटीजन तो है नहीं, तो भाई ये बी एंटीबॉडी को डेवलप किसने किया? क्योंकि यूजुअल फंडा ये है कि भाई एंटीजन आएगा बॉडी में तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी. अब यहाँ तो बी एंटीजन है ही नहीं, तो फिर बी एंटीबॉडी क्यों बना? सो दैट्स अ रेलिवेंट क्वेश्चन. अ पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी एंटीजन एंटर द बॉडी बाय द फूड. हम फूड खा रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसमें मीट भी है, उसमें देयर इज सम अमाउंट ऑफ दीज एंटीजन्स और इन एंटीजन से हमारा सम अमाउंट ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड. ओके, देयर other organisms containing these antigens as well, so they actually develop these antibodies. For example, infusion of blood group A antigen into a recipient having non-A blood type causes a typical immune response. Well, that is something jo abhi hum thodi der mein discuss karenge ki jab hum koi aise bande mein jiska blood group kuch aur hai koi aisa blood dal dein jo ki kuch aur hai, which means simple words mein mismatch blood transfusion. So mismatch blood transfusion abhi thodi der mein hamara pura ek topic hoga. ठीक है, दिस इज वॉट वी हैव टू डिस्कस हेयर. एग्लूटिनेशन प्रोसेस इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. ट्रांसफ्यूजन का मतलब कि दिस इज अ पर्सन और इस बंदे का ब्लड मैंने डालना है किसी दूसरे बंदे में जिसको इस ब्लड की जरूरत है. खून देने वाला जो बंदा है दैट पर्सन इज कॉल्ड डोनर. खून लेने वाला जो बंदा है दैट पर्सन इज कॉल्ड रेसिपिएंट. ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आइए अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की. देखो भाई बात यह है कि व्हेन ब्लड आर mismatched so that anti-A or anti-B plasma agglutinins are mixed with red blood cells that contain A or B agglutinogen respectively, the red blood cell agglutinate as a result of agglutinins attaching. Oh bhai ye padh li line, lekin aadhe se zyada bacche ye padh ke na confuse hi hote hain. Ab main ye aapko samjhata hu apne style mein ek diagram bana ke taki ye concept aapko samajh mein aaye. Jagah dhoond raha hu diagram, chalo yahan bana leta hu. So here is the concept. This is the person who is giving blood, so that person is called donor, okay? And suppose this person has blood group A. And when I say the person has blood group A, तो आपको पता है कि इसमें मैं बता रहा हूँ कि antigen A है और अब ये दूसरा बंदा है जिस बंदे को ये blood मिलना है. So this person is the recipient, ठीक है? इसको हम क्या नाम देते हैं? This person is called recipient. अब now I'm telling you कि this person has blood group B. Now here comes the important bit. अब important story है. Story ये है कि इस बंदे में चूंकि blood group B है तो मुझे बताओ एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन तो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी होगा एंटी ए, क्योंकि ऑपोजिट होता है. ये बात कई दफा बता दी. अब इस बंदे ने इसको ब्लड दिया. जब इसको ब्लड दिया तो रेड ब्लड सेल्स आ गए यहां पर. किसके? डोनर के रेड ब्लड सेल आ गए इसकी बॉडी में. अब इसकी बॉडी में ये रेड ब्लड सेल आ गया. इस रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन कौन सी थी? एंटीजन ए थी, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए है ना. अच्छा, इस बंदे में रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए. अब ये एंटी ए ने जाना है और इस रेड ब्लड सेल पे अटैक करना है और ये होगी भाई हिमोलिसिस. सो हिमोलिसिस का जो प्रोसेस है या एग्लूटिनेशन का जो प्रोसेस है क्लंप बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये जो एंटीजन है ए और ये जो एंटीबॉडी है ये आपस में मिलके एक ऐसा एग्रीगेट बना लेंगे जिसको हम नाम देते हैं एग्लूटिनेशन. सो ये कहलाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. आपने देखा कि किस तरह ब्लड ग्रुप अगर ए है और वो ब्लड ग्रुप बी वाले बंदे में डाल दिया जाए तो ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए जो डोनर से आया उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगा. मैंने ये चैप्टर शुरू में बहुत स्लो करके आपको समझाया कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एग्लूटिनोजन क्या है, एग्लूटिनिन क्या है, ए एंटीजन क्या है, इसलिए ताकि अब मैं जो ये वर्ड्स यूज करूं वो आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए. जो लोग मेरी वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे वो काइंडली शुरू से जाके देख लें ताकि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आए, वरना यू विल बी स्ट्रगलिंग. समझ में नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा हूं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का. अब पढ़ते हैं.
Now, because the agglutinins attaching themselves to the RBCs, because the agglutinins have two binding sites, now IgG have two binding sites, IgM have five binding sites, basically अब यहाँ पे वही सारी बात हो रही है जो मैंने आपको बताया कि agglutination हो जाएगा, क्योंकि red blood cell पर अगर antigen A है और बंदे के पास अगर anti-A antibody थी तो ये यहाँ पे आएंगे and they will make a clump, और ये जो clump है that will ultimately lead to hemolysis and phagocytosis by the macrophages. So ये जो clump बन जाएगा यहाँ पर आएंगे मैक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस आकर इसको खाना शुरू कर देंगे और हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी. सो दिस इज ऑल नोन एज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और ये उस वक्त होता है जब बंदों का, डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता. ओके अच्छा, सम टाइम ये तो थोड़ा सा डिलेड रिएक्शन होता है, ये फौरन नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि सेकंड्स में ये हो जाएगा कि जैसे ही रेड ब्लड सेल डोनर से रेसिपिएंट में गए बिल्कुल सेकंड्स में एंटीबॉडीज ने आके क्लम्प्स बना लिए और एग्लूटिनेशन हो गया, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम. ओके लेकिन समटाइम्स देर इज अ रैपिड अटैक एज वेल, और वो रैपिड अटैक होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. दिस इज रेयर एज कंपेयर टू द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल. दिस इज एक्यूट हिमोलिसिस. इफ देर आर एक्यूट रिएक्शंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं डोनर के वो इमीजिएटली रप्चर हो जाते हैं. सो देर इज इमीजिएट इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस. ओके सो दैट्स द होल स्टोरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की. अब बात करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को बचाएं कैसे, क्या करें कि हमें पहले से पता लग जाए कि भाई इस बंदे का ब्लड इस बंदे को नहीं देना. इसका आंसर है ब्लड टाइपिंग. ब्लड टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बंदे का ब्लड ग्रुप एक्चुअली क्या है. और जाहिर है अगर पता लग जाएगा, देखो अगर आपको पहले ही ट्रांसफ्यूजन से पहले पता लग जाए कि भाई ये जो बंदा है इसका ब्लड ग्रुप ए है और ये जो बंदा है इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये एंटीजन ए वाला ब्लड यहां आ जाएगा तो इसके पास एंटी ए मौजूद है और ये एंटी ए इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आप तो ये नहीं चाहते. यू आर अ गुड डॉक्टर, यू आर अ क्लिनिशियन, यू सेव लाइफ, यू आर नॉट मॉर्टिशियन, आप मारना नहीं चाहते लोगों को. सो ब्लड टाइपिंग पहले इसीलिए की जाती है ताकि ब्लड मैचिंग कर लें, किसको किसका ब्लड देना है ये बात पता हो. ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? देखो ये करने का आसान सिस्टम है. ये करते ऐसे हैं कि एक बंदा हुआ, मुझे अगर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो मैं जाऊंगा और मेरे ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाएगा और एक स्लाइड पर डाल दिया जाएगा, उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा डिफरेंट सेक्शंस में. अब इसमें मेरे जो ब्लड ड्रॉप्स हैं, इस ब्लड ड्रॉप पर व्हाट दे विल डू, चलो चार स्लाइड्स बनाते हैं. मैं एक ऐसे हॉस्पिटल गया हूं जो कि बहुत अमीर हॉस्पिटल है, और उस अमीर हॉस्पिटल में मेरे एक ब्लड ड्रॉप से उन्होंने मल्टीपल स्लाइड्स जनरेट कर ली हैं. ठीक है, अब ये भी मेरा ब्लड ड्रॉप मौजूद है, ये भी मेरा ब्लड ड्रॉप मौजूद है, ये भी मेरा ब्लड ड्रॉप है, और ये भी मेरा ब्लड ड्रॉप है. अब वो करते ये हैं कि मेरे ब्लड ड्रॉप पर पहले डालते हैं एंटी ए, ये उनके पास पहले से लैब में मौजूद होता है, एंटी ए डालेंगे. अच्छा, अगर एंटी ए डालेंगे और यहाँ पे क्लंप बन गया, क्लंप बन गया का मतलब है कि मेरे रेड ब्लड सेल पर एंटीजन कौन सी थी, ए एंटीजन, इसीलिए तो एंटी ए के साथ क्लंप बन गया. एंटी ए डाला और क्लंप बन गया मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है. लेकिन अगर नहीं बना तो फिर कुछ और होगा. दूसरे में फिर वो डालते हैं एंटी बी, सो एक में एंटी ए एंटीबॉडी डाली, एक में एंटी बी डालेंगे. अगर यहाँ क्लंप बनेगा तो मेरा ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरे रेड ब्लड सेल पर बी एंटीजन है. अच्छा, एक में दे यू नो एंटर बोथ सीरा, एंटी ए में भी देखते हैं रिएक्शन क्या आ रहा है, एंटी बी में भी रिएक्शन क्या आ रहा है, या बोथ सीरा डालने के बजाय व्हाट दे आल्सो समटाइम्स डू इज दिस, कि अगर इस पूरे रिएक्शन के बाद मेरे ब्लड का क्लंप सिर्फ एंटी ए डालने से बना था तो मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर सिर्फ एंटी बी डालने से इस वाली स्लाइड में बना तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है. लेकिन सोचो अगर पैथोलॉजिस्ट देख रहा है स्लाइड और वो ये देख रहा है कि भाई यहाँ पर भी क्लंप बन रहा है और यहाँ पर भी क्लंप बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है. मेरे पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसीलिए मैं दोनों तरफ रिएक्शन दे रहा हूँ. और अगर ए डालने पर और बी डालने पर कहीं पर भी कोई क्लंप नहीं बनता, यहाँ भी क्लंप नहीं बनता और यहाँ भी क्लंप नहीं बनता, मेरा सिंपल जो ब्लड ड्रॉप था वैसे का वैसा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मेरे पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है. तो सिंपली ये दो एंटी सीरा यानी एंटीबॉडीज यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है. इस टेबल में ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं. सो अगेन
सेम स्टोरी, द पर्सन कम्स हियर, उसका ब्लड लिया और दो स्लाइड्स पर डाल दिया, एक स्लाइड पर डाला एंटी ए और दूसरी स्लाइड पर डाला एंटी बी और देखा कि रिएक्शन है या नहीं. अगर दोनों में रिएक्शन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर इस सिर्फ ए वाले में रिएक्शन है, ए वाले में, तो ब्लड ग्रुप ए है, बी में कोई रिएक्शन नहीं है, नेगेटिव. और अगर बी में और अगर ए वाले में रिएक्शन नहीं है और एंटी बी में रिएक्शन है, सो इसका मतलब ब्लड ग्रुप इज बी. और अगर दोनों में पॉजिटिव यानी दोनों में क्लम्प्स बन रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी है. ये जो सारा डिस्कशन किया मैंने आपको समझाया है, दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ ब्लड टाइपिंग. ठीक है, सो ये सब समझ में आ गई बात. ये टेबल इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया, ये मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ. ठीक है, प्लस और माइनस का मतलब ये है एग्लूटिनेशन है या एग्लूटिनेशन नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो ये तो अभी हमने बात की ब्लड ग्रुप ए कैसा होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है. अब एक और सिस्टम है, लोग ब्लड ग्रुप कैसे बताते हैं अपना. मैं अगर अपना ब्लड ग्रुप बताता हूँ तो वो ऐसे होता है कि माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव. उसमें इस बी का मतलब ये है कि मेरा जो रेड ब्लड सेल है उसमें जो एंटीजन है वो कौन सी है, बी. इस पॉजिटिव का क्या मतलब है, या अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो इस नेगेटिव का क्या मतलब है. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ए बी का मतलब तो आपको पता है कि इसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है. लेकिन भाई इस पॉजिटिव का क्या मतलब है. सो हर ब्लड ग्रुप के साथ, सो चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं ना, ये चार ब्लड ग्रुप्स हमने अभी कौन कौन से डिस्कस किए. दोबारा एक दफ़ा हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस किया, ब्लड ग्रुप ए जिसके पास एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी जिसके पास एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी जिसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ जिसके रेड ब्लड सेल पर कोई एंटीजन नहीं होगा. अब नाउ एवरी ब्लड ग्रुप कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव. ये आठ तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मिलेंगे. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो फंडा है, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द आर एच एंटीजन. आइए बात करते हैं आर एच एंटीजन की. मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ये बात आपको बताई थी कि जो रेड ब्लड सेल हैं उस पर दो तरह के एंटीजन हैं जो हमको डिस्कस करने हैं. एक एंटीजन कैटेगरी थी ए बी ओ एंटीजन की, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर ली. और दूसरी जो एंटीजन की कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड रेसिस, यानी आर एच एंटीजन कैटेगरी. अब इसकी हमको बात करनी है. सो अलोंग विद द ओ ए बी या ए बी ओ ब्लड टाइप सिस्टम, आर एच ब्लड टाइप सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेन ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड. The major difference between the OAB system and RH system is the following, and this is important, guys, listen and pay attention. In OAB system, the plasma agglutinins, yani antibody, responsible for causing transfusion reactions, develop spontaneously. Whereas the RH system, spontaneous agglutinins almost never occur. Instead, the person must first be massively exposed to an RH antigen, such as by transfusion of the blood containing RH antigen, before enough agglutinins. Very, very, very important clinical concept. अगर ये concept नहीं समझ में आया तो RH नहीं समझ में आया. सुनो क्या बात है. देखो भाई बात यह है कि जो ये सारा भी हमने ABO सिस्टम एग्लूटिनेशन ये पढ़ा था ना, ये फर्स्ट टाइम में रिएक्शन हो जाता है. यानी अगर एक बंदा यहाँ पर ये मौजूद है और इस बंदे में, सो इफ दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन, दैट पर्सन फॉर एग्जांपल इज द डोनर, दिस पर्सन फॉर एग्जांपल इज द रिसिपिएंट. ओके, और इसका है ब्लड ग्रुप ए और इसका है ब्लड ग्रुप बी. सो दैट्स अ ए बी मिसमैच. यानी ए बी ओ सिस्टम के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है. इसका ए ब्लड ग्रुप है, इसका बी ब्लड ग्रुप है. इसका ब्लड जब आप इसमें इन्फ्यूज करेंगे, सो देयर विल बी रिएक्शन बिकॉज इस बंदे में एंटी ए मौजूद है. और ये डोनर का रेड ब्लड सेल जब यहाँ आएगा जिस पर एंटीजन ए होगा, तो रेसिपिएंट का एंटी ए यहाँ रिएक्ट करके सारा गड़बड़ करेगा और एग्लूटिनेशन बनाएगा. सो दैट इज स्पॉन्टेनियस. यहाँ आपने इस बंदे में ब्लड डाला, कुछ घंटों में रिएक्शन हो जाएगा. अब जरा सुनो आरएच सिस्टम की कहानी. आरएच सिस्टम की कहानी समझने के लिए सिस्टम को यूं समझना पड़ेगा कि सपोज दिस इज अ पर्सन हु इज अ डोनर, दैट पर्सन इज ए पॉजिटिव एंड दिस पर्सन इज ए नेगेटिव. नाउ अब ये क्या बात हुई. देखो भाई बात ये है कि ये बंदा और ये बंदा ए बी ओ कंपेरेबल हैं. यानी इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप भी ए है, जिसका मतलब ये है कि इसके रेड ब्लड सेल पर भी एंटीजन ए है, इसके रेड ब्लड सेल पर भी एंटीजन ए है. इसका मतलब ये है कि इस बंदे में, डोनर में, जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी होगी, इसमें भी एंटी बी होगी. तो
एंटीजन वाला एग्लूटिनेशन का चक्कर तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा, लेकिन इनका जो आरएच सिस्टम है, ये जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब होता है अगर आरएच एंटीजन मौजूद है, और आरएच की भी एंटीजन की कई टाइप्स होती हैं, इसमें से डी वैरायटी इज द मोस्ट कॉमन। सो अगर रेसिस डी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप कहलाता है पॉजिटिव, और अगर रेसिस डी एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कहलाता है नेगेटिव। सो पॉजिटिव मतलब ये एंटीजन मौजूद है। अब जब यहाँ ट्रांसफ्यूजन होगा, ये बंदा का रेड ब्लड सेल आएगा इस बंदे के अंदर, तो ए का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक एंटीजन आर एच अब इस बंदे में एंटर हो गई जो इसमें नहीं है। देखें, दिस इज आर एच पॉजिटिव एंड दिस इज आर एच नेगेटिव। ये जो एंटीजन रेसिपिएंट में आई है, इसके अगेंस्ट रेसिपिएंट एंटीबॉडी बनाएगा, जिसको हम नाम देते हैं एंटी आर एच। अब ये एंटी आर एच बनने में टाइम लगता है, यानी फर्स्ट टाइम जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे ना ए पॉजिटिव बंदे का ए नेगेटिव में, तो इट विल बी फाइन, इसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम इस बंदे में दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ गया, और इस बंदे का ब्लड अब आपने ट्रांसफर किया, तो नाउ बाय दैट टाइम दिस रेसिपिएंट हैज डेवलप्ड इनफ एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब जब इसमें आरएच एंटीजन डालोगे तो यहां रिएक्शन हो जाएगा। सो दैट टेक्स टाइम फॉर द रिएक्शन टू हैपन। इसको एक दफा और समझ लेते हैं, ताकि बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। Now this is a person again, that person is blood group A positive, okay? And this is a person and that person is blood group A but negative. Ab kya kiya humne, ye donor hai, see ke? This is the donor and this is the recipient, okay? What we are now talking is ki A positive ne blood diya A negative ko. So what will happen? Ki A compatibility to hai, dono blood group A hain, so ye koi masla nahi hua. Lekin yahan par ek nayi antigen aa gayi, us antigen ka naam kya hai? RH एंटीजन। कहां से आई? यहां से आई ना, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब आरएच एंटीजन मौजूद है, तो ये आरएच एंटीजन अब रेसिपिएंट में आ गई। अब रेसिपिएंट बोलेगा ओ भाई ये कहां से आ गया, तो रेसिपिएंट की बॉडी बोलेगी टेंशन ना लो, मैं इसके फाइट करने के लिए एक चीज बनाती हूं, जिस चीज का नाम है एंटी आरएच, यानी मैं एक एंटीबॉडी बना लेता हूं, वो एंटीबॉडी इस आरएच को खत्म करेगा। लेकिन ये एंटीबॉडी बनने में बहुत टाइम लगता है। अब ये ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन हो गया, ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फर्क क्या पड़ गया, जब ये पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसने नहीं लिया था, तो इसके पास आरएच एंटीजन नहीं था, बिकॉज ये ए नेगेटिव था। लेकिन अब इसके पास आरएच एंटीजन है, यहां से आया ना, इस ब्लड से आ गया, ट्रांसफ्यूजन हुआ है ना, डोनर के रेड ब्लड सेल्स आए ना, तो डोनर का आरएच एंटीजन आएगा ना। ये बंदा जब ट्रांसफ्यूजन से पहले आया था, तो इसके पास एंटी आरएच भी नहीं था, क्योंकि एंटी आरएच तो इसने बनाया बेचारे ने इस आरएच के चक्कर में, जो कि ट्रांसफ्यूजन के बाद आया। तो जब ये ट्रांसफ्यूजन के बाद घर जाएगा, तो नाउ दिस पर्सन इज अ चेंज पर्सन, बिकॉज इस पर्सन का ब्लड ग्रुप तो अभी भी यही है, ए नेगेटिव। इस ब्लड ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन अब इस बंदे के पास आरएच एंटीजन भी है, और इस बंदे के पास एंटी आरएच भी है। बट ये एंटी आरएच बनते बनते ये आरएच एंटीजन खत्म हो जाती है, तो ये रिएक्शन नहीं होता, यानी फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन पर रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अब जरा सुने कि इस बंदे को अगर दोबारा ब्लड की जरूरत पड़ती है, और सिमिलर बंदा आके कहता है यार लास्ट टाइम भी मैंने इसको ब्लड दिया था, मैं ए पॉजिटिव था, और पिछली दफा कुछ भी नहीं हुआ था, अब मैं दोबारा इसको ब्लड देता हूं। अब ये बंदा जब दोबारा इसको ब्लड देगा, तो अब मसला है, क्योंकि अब इस बंदे की जो आरएच एंटीजन है, बिकॉज ये पॉजिटिव है ना, तो अब दोबारा से आरएच एंटीजन यहां पे आएगी, अब इसके पास एंटी आरएच पड़ा हुआ है, ये फौरन रिएक्ट करेगा। सो कहने की बात ये है कि जो आरएच का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, दैट इज यूजुअली ऑन द सेकंड टाइम, नॉट ऑन द फर्स्ट टाइम। तो ये पूरा पैराग्राफ एक दफा मैं दोबारा पढ़ूंगा, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एबीओ सिस्टम एंड द आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम में रिएक्शन फौरन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि आरएच सिस्टम के अंदर स्पॉन्टेनियस एग्लूटिनेंस ऑलमोस्ट नेवर अकर। इंस्टेड द पर्सन मस्ट फर्स्ट बी मैसिवली एक्सपोज्ड टू द आरएच एंटीजन सच एज बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड by the person who contains RH antigen। जैसा मैंने अभी आपको इस डायग्राम में समझाया कि बंदा RH पॉजिटिव था, A पॉजिटिव, उसने ब्लड दिया, तो अब ये सेंसिटाइज हो गया और इसने एंटी RH बनाना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ आरएच एंटीजन, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, ये बात मैंने आपको बता दी। इस एंटीजन के तीन फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर सी, डी एंड ई, एंड दैट ऑल्सो कम्स इन टू डिफरेंट एलील्स। द मोस्ट कॉमन वन इज द फ्लेवर डी, सो आरएच डी इज टाइप डी एंटीजन इज द मोस्ट कॉमन, इट्स वाइडली प्रेवलेंट। अगर रेड ब्लड सेल पर ये डी एंटीजन मौजूद है, तो द पर्सन इज नोन टू बी पॉजिटिव, और अगर ये डी एंटीजन नहीं है, द पर्सन इज नोन टू बी आरएच नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप ऐसे मार्क किया जाता है।
बताता है कि इफ़ दिस इज़ द रेड ब्लड सेल ऑफ अ पर्सन, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी ओ सिस्टम में से इस पर कौन सी प्रोटीन या कौन सा एंटीजन मौजूद है। अगर ए मौजूद है और साथ में आर एच भी मौजूद है तो बंदे का ब्लड ग्रुप बन गया ए पॉजिटिव। अगर ए एंटीजन मौजूद है और आर एच मौजूद नहीं है तो अब बंदे का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए नेगेटिव। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो सिंपल स्टफ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जनाब, आर एच इम्यून रिस्पॉन्स। सो सम वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिस्कशन कमिंग अप। क्या हो गया भाई, इरेजर उठा रहा हूँ, इरेजर आ नहीं रहा, आ गया। सो फॉर्मेशन ऑफ एंटी आर एच एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स बोले तो एंटीबॉडी। When red blood cell containing RH factor are injected into a person whose blood does not contain the RH factor, that is into an RH negative person, anti-RH agglutinins develop slowly, reaching a maximum concentration of agglutinins about 2 to 4 months later. मैं ये scenario सारा आपको already समझा चुका हूँ, वो अब यहाँ text में हम पढ़ रहे हैं। 2 से 4 महीने बाद कहानी सारी शुरू होगी। बंदा ये था जो कि A positive था, दूसरा बंदा recipient ये था जो कि A negative था। RH positive वाले ने अपना RH antigen इसमें डाल दिया, यहाँ anti-RH बनना शुरू होगा, 2 से 4 महीने लगेंगे। ये सारी कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। This immune response occur to much greater extent in some people than in others with multiple exposure to RH factor. RH negative person eventually becomes strongly sensitized to RH factor. यानी इसको अगर बार बार ये होगा, बार बार इसको ब्लड पॉजिटिव वाला दिया जाएगा तो ये एंटी RH रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक केस अभी ऐसा बताऊंगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें बार बार एक RH नेगेटिव बंदे को RH पॉजिटिव का ब्लड दिया जाता है, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नाउ इफ एन RH नेगेटिव पर्सन हैज नेवर बीन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड इनटू दैट पर्सन विल इमीडिएटली कॉज नो रिएक्शन। तो शुरू में कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा उसको ब्लड दिया गया तो देयर विल बी अ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये सारी बात मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। इम्पॉर्टेंट 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 कॉन्सेप्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसको जरा समझ लो। मैं डायग्राम पे पहले समझा देता हूँ, फिर टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो बात समझ में आएगी। लेट मी रब ऑल दिस स्क्रैप एंड देन रीड्रॉ द कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ बेबी। ओके, नाउ वी हैव अ बेबी, दिस इज नॉट अ पर्सन, दिस इज अ बेबी एंड दैट बेबी इज ऑब्वियसली इनसाइड द यूट्रस, सो वी आर बैक इनटू एम्ब्रियोलॉजी एंड हियर इज द मदर्स बॉडी। ओके, नाउ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग कि द मदर इज से फॉर एग्जांपल द मदर इज आर एच नेगेटिव, यानी मदर की बॉडी में कोई आर एच एंटीजन नहीं है। एंड सपोज द बेबी इज आर एच पॉजिटिव, फादर से आ गया हुआ है इसके अंदर ये आर एच एंटीजन। अब होता ही है कि देर इज सम प्लेसेंटल लीकेज, तो बेबी के कुछ रेड ब्लड सेल्स यहाँ लीक होकर के आएंगे और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इन पर आरएच एंटीजन मौजूद है, मदर के पास तो आरएच एंटीजन था नहीं। अब ये एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंटी आरएच। और ये जो एंटी आरएच है, मैंने आपको बताया आरएच एंटीबॉडीज इमीडिएट रिएक्शन नहीं करती। तो पहली प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, ये बच्चा पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले द मॉम वॉज प्योरली आरएच नेगेटिव, बट अब इस मॉम के पास आरएच पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स भी हैं और इन आरएच पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स की वजह से इस मॉम के पास एंटीबॉडीज भी हैं जो आरएच के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। यानी प्रेगनेंसी से पहले ये मॉम बिल्कुल डिफरेंट थी ब्लड वाइज, और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद अब ये मॉम बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसके पास एंटी आरएच मौजूद है, पहले नहीं था। और ये सारा किसने किया, इस नेस्टिक लिटिल बेबी ने किया जो कि आरएच पॉजिटिव है। तो ये तो अपना काम करके भाई निकल गया, इसकी डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया। नाउ दैट मॉम बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन, नाउ दिस इज अनदर सेकंड प्रेगनेंसी, देयर इज अनदर बेबी इन द यूटरस एंड दैट्स मॉमी। अब ये बेबी भी आरएच पॉजिटिव है, नाउ लिसन व्हाट विल हैपन, ये बेबी भी आरएच पॉजिटिव है। अब मॉमी के पास यहां पे पहले से एक खतरनाक चीज पड़ी हुई है, वो है एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब इस बेबी के जब रेड ब्लड सेल्स लीक करके मॉमी के ब्लड में आएंगे, ये एंटी आरएच इसको अटैक करेगा और एग्लूटिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन, ये एंटी आरएच कैन ऑल्सो गो इन टू द यूट्रस, बेबी के रेड ब्लड सेल जाके खत्म कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, किसका, फिटालिस, फीटस का। सो एंटी आरएच अब चूंकि मॉमी की बॉडी में बन चुका, पहले नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज फाइन, बट द नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रेड ब्लड सेल बेबी के रप्चर हो सकते हैं। ओके, अब इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का ये तरीका है कि इस मॉमी के अंदर कोई ऐसी चीज, सारी गड़बड़ कौन कर रहा है, सारी गड़बड़ कर रहा है ये एंटी आरएच।
इसका तरीका ये है इसको डील करने का कि इस एंटायर आरएच को ब्लॉक कर दो, और ऐसे इंजेक्शंस अब आ गए हैं कि मॉमी को सेकंड प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, तो ये एंटायर आरएच ख़त्म हो जाता है, एंटायर आरएच ख़त्म हो जाएगा तो सारी स्टोरी ओके हो गई, ठीक हो गया। तो पर्टिकुलरली वो फीमेल्स जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, जो आरएच नेगेटिव होती हैं, उनको ये इंजेक्शंस ज़रूर लगते हैं जो एंटाय आरएच को जाके डील करते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज़ अ नेगेटिव लेडी, आरएच नेगेटिव लेडी, इट ऑलवेज हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, ओके। एंड पर्टिकुलरली फादर का ब्लड ग्रुप चेक करना भी ज़रूरी है, और अगर फादर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि जो बेबी है दैट कैन बी पॉजिटिव, और बेबी पॉजिटिव होगा तो सारी गड़बड़ स्टार्ट हो सकती है। सो विद दिस कॉन्सेप्ट अब इसको पढ़ते हैं। Erythroblastosis fetalis is a disease of the fetus and newborn child characterized by agglutination and phagocytosis of fetus red blood cell. In most cases of erythroblastosis fetalis, mother is RH negative and father is RH positive. The baby has inherited the RH positive antigen from the father, and mother develops anti-RH agglutinins from exposure to the fetus RH antigen. In turn, mother's agglutinins diffuse through the placenta and causes RBC agglutination. ये जो सारी मैंने आपको story बताई है, that all is very important for destruction of the red blood cells in the baby. Okay? Now, incidence of erythroblastosis fetalis, इसके बारे में एक paragraph है, इसको पढ़ लेते हैं। An RH negative mother having the first RH positive baby usually does not develop any problem. पहला baby अपना काम करके, मैंने आपको बताया कि निकल जाता है, पीछे छोड़ जाता है anti RH, which causes trouble in the second delivery. Okay. However, about 3% of the second RH positive babies exhibit signs of erythroblastosis fetalis. दूसरा बच्चा सफर करता है, and about 3% of the third babies. आप देखें जैसे जैसे pregnancy आगे जाती जा रही है, incidence of erythroblastosis fetalis बढ़ता जा रहा है। इफेक्ट ऑफ मदर्स एंटीबॉडीज इन द फीटस, आफ्टर एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैव बीन फॉर्मड इन द मदर, दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इनटू द फीटसेस ब्लड। नाउ देयर दे कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ द फीटसेस ब्लड, एंड द एग्लूटिनेटेड ब्लड सब्सिक्वेंटली हीमोलाइज एंड हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड, एंड देयरफॉर द बेबी मे डेवलप जॉन्डिस। ओके, नाउ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इट्स ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। द जॉन्डिस्ट एरिथ्रोब्लास्टिक न्यूबॉर्न बेबी इज यूजुअली एनीमिक एट बर्थ, क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल फट रहे हैं तो एनीमिया तो होगा, और रेड ब्लड सेल जब फट रहे हैं तो उसमें से बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन निकल रहा है, तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, तो इस वजह से ऑब्वियसली जॉन्डिस भी होगा, एंड दैट इज समथिंग टू बी डेल्ट विद। ओके, द हेमेटोपोएटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेंट अटेम्प्ट टू रिप्लेस द हीमोलाइज रेड ब्लड सेल। एक तरफ रेड ब्लड सेल रप्चर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बॉडी ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बना ले। द लिवर एंड स्प्लीन बिकम ग्रेटली इनलार्ज्ड because of production of more and more red blood cell. Okay, because of the rapid production of the red blood cell, many early forms of RBCs including the nucleated blastic forms also appear in the blood. Although severe anemia of erythroblastosis fetalis is usually the cause of death, okay, so that can be a fatal disease. Many children who barely survive the anemia exhibit permanent mental impairment because jo itna sara bilirubin banta hai because of destruction of the red blood cell phatenge to hemoglobin niklega, hemoglobin convert hoga bilirubin mein, ye bilirubin jaakar ke central nervous system mein deposit ho jata hai and causes a disease called Kernicterus. Ye pura system, nervous system और मेंटल इंपेयरमेंट, तो या तो बच्चे की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनीमिया, और अगर एनीमिया से बच गया तो मेंटल इंपेयरमेंट होती है बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन गोइंग इनटू द सीएनएस कॉजिंग कर्निक्टरस। ओके, ट्रीटमेंट इसका क्या है? वन ऑफ द ट्रीटमेंट अप्रोचेस इज टू रिप्लेस द ब्लड। वन ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज टू रिप्लेस द नियोनेट्स ब्लड विद आरएच नेगेटिव। प्रॉब्लम देखें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बेबी है उसके ब्लड के एंटीजन है आरएच, और मॉमी का एंटीबॉडी था एंटाय आरएच, ये आके इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर मैं बेबी का जो पूरा ब्लड है जो कि आरएच पॉजिटिव ब्लड है, इसीलिए तो सारा मसला हो रहा है, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं आरएच नेगेटिव ब्लड से, तो किसी हद तक इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड नाउअडेज विद ऑल द एडवांसेस दिस इज वेल कंट्रोल्ड एक्चुअली। ओके, बट वंस द डिजीज डेवलप अगेन उसकी जो मोर्टैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। ना हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट दिस, और वो मैंने आपको स्टोरी समझा दी है सारी, कि मॉमी को सेकेंड प्रेगनेंसी में इफ़ द मॉमी इज़ आर एच नेगेटिव, या हमको पता है कि माँ का ब्लड ग्रुप अगर बी नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, या ए नेगेटिव है, नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो उसको पहले से एक इंजेक्शन दे दो यार,
अब देखते हैं द डी एंटीजन ऑफ द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्राइमरी कल्प्रेट, इसी का सारा मसला है इन इम्यूनाइजेशन. आरएच नेगेटिव मदर को अगर पहले से कर दें तो दैट विल बी फाइन, और वो जो एंटीबॉडी हम देते हैं दैट इज कॉल्ड द एंटी डी एंटीबॉडी, व्हाट इट एक्चुअली डस, क्या करता है, एंड दिस इज यूजुअली गिवन एट दैट पर्टिकुलर टाइम 28 टू 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. द एंटी डी एंटीबॉडी इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड आरएच नेगेटिव हु डिलीवर आरएच पॉजिटिव बेबीज टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन ऑफ द मदर टू डी एंटीजन. दिस स्टेप ग्रेटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज. सो इसका बेसिक पर्पस और इसका बेसिक काम यह है कि मॉमी में जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनती हैं वो न बनने दी जाए और जो बन गई हैं उनको ब्लॉक किया जाए. Okay, so that's how you prevent erythroblastosis fetalis. The mechanism whereby the RH immunoglobulin prevents sensitization is not, so that's not important paragraph. The whole concept is extremely important. Exams mein aapke chahe MBBS ke exams ho ya USMLE ya MRCP, erythroblastosis fetalis is a very important concept. Okay, now let's talk about the transfusion reactions resulting from mismatched blood type. ye already hum is chapter mein pichli headings mein kafi had tak cover kar chuke hain, but ek dafa aur is heading ko padh lete hain taki ye concept ekdam crystal clear ho jaye. If donor blood is transfused into the recipient who has another blood type, so agar donor ka blood group alag hai aur recipient ka blood group alag hai, a transfusion reaction is most likely to occur in which red blood cell of the donor are destroyed, they are agglutinated by the agglutinins in the recipient's plasma. Okay, ab ye ek important concept hai ki देखो बात यह है कि दिस पर्सन सपोज इज द डोनर एंड दिस पर्सन सपोज इज द रेसिपिएंट. ओके, और से फॉर एग्जांपल इसका ब्लड ग्रुप है ए और इस बंदे का ब्लड ग्रुप है बी. ये बात हम कई दफ़ा इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर ऑन कि जब डोनर से ब्लड ट्रांसफ्यूज होकर यहाँ आएगा, सो व्हाट वी आर टॉकिंग कि डोनर के रेड ब्लड सेल जिस पर एंटीजन ए था अब वो रेसिपिएंट की बॉडी में है, और रेसिपिएंट में चूंकि एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ए. दिस एंटीबॉडी ए विल डिस्ट्रॉय the donor red blood cell. So होता यह है कि बेसिकली डोनर के रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, रेसिपियंट के रेड ब्लड सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अब अक्सर स्टूडेंट्स में ये सवाल करते हैं कि सर जब इसका ब्लड यहाँ ट्रांसफर किया है तो इस ब्लड को जब यहाँ ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो ये बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए था वो एंटीजन ए तो लाया है लेकिन उसके प्लाज्मा से एंटीबॉडी बी भी तो आया होगा इस रेसिपियंट की बॉडी में, तो ये एंटी बी इस बी को यानी रेसिपियंट के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता. बॉस उसका रीजन बेसिकली ये है कि डोनर का ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करके आप रेसिपिएंट में डालते हो तो उसका प्लाज्मा, डोनर का प्लाज्मा बहुत डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि रेसिपिएंट का ऑलरेडी 5 लीटर ब्लड यहां मौजूद है और जो ब्लड आप डोनर से यहां डाल रहे हो वो इस 5 लीटर ब्लड में डाइल्यूट हो जाएगा. सो डोनर की जो एंटीबॉडीज हैं वो किसी काम की बचेंगी नहीं, काम की बचेंगी रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज. और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज क्या हैं, एंटी ए. डोनर का एंटीजन क्या है, ए. सो ये डिस्ट्रक्शन रूल बना लो कि ज़्यादातर 99% केसेस में डिस्ट्रक्शन होता है डोनर के रेड ब्लड सेल का. ओके, सो डोनर रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड. अच्छा जी, अब जब डोनर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से ज़ाहिर है देर इज़ हिमोलिसिस, और जब कभी हिमोलिसिस होगी सो हिमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा और हीमोग्लोबिन फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा और ज्वाइंडिस होगा. सो ज्वाइंडिस इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, दैट इज द पर्सन इंटरनल टिश्यूज एंड स्किन बिकम कलर्ड येलो विद द बाइल पिगमेंट्स. ठीक हो गया. हाउएवर इफ द लिवर इज फंक्शनल एंड द बाइल पिगमेंट मे बी एक्सक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन बाय द वे ऑफ लिवर बाइल, सो ज्वाइंडिस यूजुअली डज नॉट अपीयर इन एन एडल्ट अनलेस मोर देन 400 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड आर हिमोलाइज. सो इन ऑर्डर फॉर ज्वाइंडिस टू अपीयर काफी ठीक ठाक ज्यादा हिमोलिसिस होना चाहिए. 400 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड डिस्ट्रॉय होगा तो ज्वाइंटिस अपीयर होगा, वरना यूजुअली लिवर टेक्स केयर ऑफ इट. एक तो ये कि अब हम इस हेडिंग में करके आ रहे हैं, इस हेडिंग में बेसिकली बात ये हो रही है कि ट्रांसफ्यूजन का जो रिएक्शन है, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन है, तो उसके फिर सिम्टम्स और उसके साइंस क्या क्या हैं. सो वन ऑफ द थिंग दैट क्लिनिकली इज इंपॉर्टेंट इज द ज्वाइंटिस. नंबर टू, देर इज एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी में डैमेज होता है, और किडनी इंजरी के देर आर 2-3 मेन इंपॉर्टेंट रीजंस कि किडनी भाई क्यों डैमेज होती है, ज्वाइंटिस की तो वजह समझ में आती है. किडनी के डैमेज और किडनी के फेलियर के 3 बेसिक रीजंस हैं, वो जरा देख लें क्या क्या. नंबर 1, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है बिटवीन द एंटीबॉडी एंड द एंटीजन,
चूंकि मिसमैच ट्रांसफ्यूजन है इसलिए दिस रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द हीमोलाइजिंग ब्लड एंड दोज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉज पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द किडनी और इस वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से द किडनी कैन एक्चुअली शट डाउन एंड एक्यूट किडनी फेलियर कैन हैपन. सेकेंड रीजन है लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल. जाहिर है रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है सो देयर विल बी लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल. कम हो जाएंगे रेड ब्लड सेल इन द रेसिपिएंट अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक substances from the hemolyzed cells and the immune reaction often causes circulatory shock. अब ये जो पूरा overall circulatory shock है, it reduces the renal blood flow और urine output कम हो जाएगा and that is what we call kidney shutdown. So kidney shutdown का एक reason है vasoconstriction because of the toxins. दूसरा reason है overall shutdown of the blood pressure because of the circulatory shock. तीसरा reason सुनिए, if the total amount of free hemoglobin released into the blood is greater than the quantity of the haptoglobin. So haptoglobin एक protein होता है, जितना red blood cell टूट फूट रहे हैं उनके अंदर से निकल रहा है hemoglobin और वो hemoglobin bind हो जाता है haptoglobin के साथ. लेकिन haptoglobin भी एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा अगर hemolysis हो रही है तो फिर ये जो hemoglobin है it can go into the kidney and damage the kidney tubules. So that is the third reason of kidney shutdown. If this amount is still slight, it can be reabsorbed through the tubular epithelium. Kidney भी उसको handle करेगी एक capacity तक, लेकिन अगर red blood cell बहुत ज़्यादा rupture हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा complete shutdown है और kidney की capacity अब ख़त्म हो गई है hemoglobin को reabsorb करने की, then the kidney fails, okay? And the patient dies within 7 to 12 days of the transfusion reaction. So transfusion reaction में jaundice के reason आपको पता होने चाहिए and kidney shutdown के ये तीन reasons, they are all very important. Now we are left with the last heading of this chapter which talks about transplantation of tissues and organs. अब तक हम बात कर रहे थे transplantation of blood की, blood transfusion की, लेकिन अब अगर हम tissues और organs की transplantation की बात करें तो उसके कुछ basic concepts हैं जो मुझे discuss करने हैं. जो organ की transplantation का सारा चक्कर है वो actually red blood cell की transplantation से काफ़ी complicated है. उसका reason ये है कि red blood cell पे हमने जो antigens का जिक्र किया था, only two forms of antigen. एक एंटीजन सिस्टम था ABO और दूसरा एंटीजन सिस्टम था RH. सो दैट वाज प्रीटी सिंपल. लेकिन ऑर्गन्स पे भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो जितने भी टिश्यूज हैं ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उस पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंटीजन्स, ओके. लेकिन बहरहाल यहाँ ये चैप्टर पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा प्रिलिमिनरी सा बताया है बट ये बताया है कि द ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो बींग परफॉर्म फॉर अदर सॉलिड ऑर्गन्स और बहुत सारे ऑर्गन्स अटेम्प्ट किए गए हैं और कौन कौन सी एंटीजन्स हैं जिनका आपको एक आइडिया होना चाहिए. सो जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर एंटीजेंस दिस हेडिंग इज इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द डिफरेंट एंटीजेंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स दैट कॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर ऑल्सो वाइडली प्रेजेंट ऑन अदर सेल्स. यानी ये जो एंटीजेंस हैं दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल बट ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अदर सेल्स. कॉन्सिक्वेंटली अ फॉरन सेल ट्रांसप्लांटेड एनीवेयर इन टू द बॉडी ऑफ अ रेसिपिएंट कैन प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शन. मिसमैच कभी भी अगर कोई ऑर्गन आएगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरन बॉडी एंड द फॉरन बॉडी इज recognized by the body. Immune cells jo hamare hain they are just like the soldiers of the body and they try to attack anything which is foreign. ab agar wo foreign red blood cell aap kisi ke dal dein bahar se to uske against bhi reaction aa sakta hai jo humne is pure chapter mein discuss kiya. aur agar koi aur cells dal dein jis par antigens recipient ke antigen ke sath match nahi karti to wahan bhi reaction aayega. theek hai. acha ab ye char terminology samajhna it's critical for you to understand them. autograft, isograft, allograft and xenograft. इज़रा सुन लो समझ लो. देखो ऑटोग्राफ का मतलब ये है कि इफ देर इज अ ट्रांसप्लांट ऑफ समथिंग फ्रॉम द सेम पर्सन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम पर्सन. सो अगर मेरे से फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड हाथ में बर्न हो गया है और यहाँ पे स्किन डैमेज हो गई है सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक अ स्किन फ्लैप फ्रॉम माई बॉडी समवेयर एल्स और मैं यहाँ पे वो स्किन फ्लैप लगा सकते हैं. सो मेरी ही बॉडी का एक पार्ट निकल के मेरी ही बॉडी पे लगा दिया गया दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑटोग्राफ. सो ऑटोग्राफ इज फ्रॉम द पर्सन टू द सेम पर्सन. ओके. Now if we are talking about identical twins, so if these guys are identical twins to in twins ka genetic makeup bilkul similar hai, ye ek dusre se alag nahi hai. So agar ek identical twin ka koi part nikal ke identical twin ke dusre identical twin ki body mein dal diya jaye, this is what is known as isograft. Iso matlab same, ye dono same hai na, isiliye this is called isograft. Okay. Acha agar do alag alag
अनरिलेटेड लोगों का. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पर्सन एंड दैट पर्सन इज नॉट अ ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन नहीं है इस पर्सन का, इसकी बॉडी से निकाल के अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है इसकी बॉडी में, नाउ दीज गाइज कैन बी नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, होंगे ट्विन्स ही लेकिन नॉन आइडेंटिकल अगर होंगे तो जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो जाएगा, या ये ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं या ये कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और इन दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है. सो ऐसे ट्रांसप्लांट को हम नाम देते हैं एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट इज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर हु आर जेनेटिकली डिफरेंट. और फिर लास्ट कैटेगरी है जीनोग्राफ्ट. जीनोग्राफ्ट में ये करते हैं कि इफ देयर इज एन एनिमल एंड दैट एनिमल कंटेन्स समथिंग, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग एनिमल पिग और समथिंग. रिसेंटली एक एक्चुअली पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है ह्यूमन में, विच वॉज नॉट एक्चुअली वेरी मच सक्सेसफुल, द पर्सन डाइड आफ्टर सम टाइम, बट एटलीस्ट इट वॉज अटेम्प्टेड. फ्रॉम द पिग टू द ह्यूमन हार्ट पूरा, इस तरह के ट्रांसप्लांट को जिसमें एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी में अटेम्प्ट किया जाए, दिस इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट. ठीक है, सो ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट, अ ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू ऑफ होल और द होल ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम एनिमल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेम एनिमल इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट, यानी अपनी ही बॉडी में. फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू द अदर आइडेंटिकल ट्विन इज आइसोग्राफ्ट, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज एलोग्राफ्ट, एंड फ्रॉम वन स्पीशी टू द अदर स्पीशी इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट. तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. Now, transplantation of cellular tissue. In case of the autograft or isograft, the cells in the transplant contains virtually the same type of, they are genetically same na. Autograft mein to apna hi hai aur identical jo twins hain, un identical twins mein bhi same generic makeup hai. So, usme koi difference nahi hai. So, jab koi difference nahi hota, to koi immune reaction bhi nahi hota because inke antigens ek jaise hain. Lekin obviously, xenograft hoga to bhai strong immune reaction hoga aur death ke chances bahut zyada hain. So, very very strong immune reaction if it is a xenograft or even an allograft. Okay, some of the different cellular tissues and organs that have been transplanted from one person to the other include, and successfully include, skin, kidney, heart, liver, glandular tissue, bone marrow and lung. Kidney transplant to bahut hi common hai, liver transplant aajkal bahut routinely kiya jata hai, jis hospital mein main bhi kaam karta hu wahan pe we do a lot of kidney transplants, liver transplants, bone marrow transplants are pretty routine stuff. Okay, heart, lung ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा रूटीनली नहीं परफॉर्म होता. ट्रांसप्लांट का मेजर एक इशू ये भी है कि फैसिलिटीज तो डेवलप कर लें लेकिन डोनर्स अवेलेबल नहीं होते. सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेटिंग फॉर द रेसिपिएंट्स. ओके, बहुत लोगों की किडनीज खराब हो रही हैं कंपेयर टू जो किडनीज मिल रही हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए. विद प्रॉपर मैचिंग ऑफ द टिश्यूज बिटवीन द पर्संस, many kidney allografts have been very successful for 5 to 15 years and allograft of liver have been successful 1 to 15, so that's pretty successful. Okay, but after a lot of workup, wo workup ka matlab ye hai ki matching karni padti hai. So for example, if this is a donor and this is a recipient of the kidney, they have to be matched. Inki matching zaruri hai. Matching ka matlab kya hai? Antigenic matching. Yani ye dono 100% same to obviously nahi ho sakte, lekin is had tak to similar ho ki कोई इमीडिएट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो, इम्यून रिएक्शन इमीडिएट वाला ना हो, वरना वो फेल हो जाएगा, द पर्सन विल ऑब्वियसली डाई. ओके, बट द पॉइंट इज कि किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स आर प्रीटी सक्सेसफुल, प्रीटी सक्सेसफुल. और इसकी वजह से जो एंड स्टेज लिवर और किडनी डिजीजेज हैं उनका काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट अभी हो गया है. ट्रांसप्लांटेशन इज रूटीनली परफॉर्म. Now, the major problem with the transplantation is the immune reaction. और उस immune reaction को, क्योंकि देखें होता ही है कि आप एक body से दूसरी body में जब कोई organ transplant करते हो तो यहाँ पर उस organ को लिया जाता है as a foreign organ, यानी वो आपकी body का part तो था नहीं, तो जो recipient है उसका immune system जाग जाता है और वो कहता है भाई अब ख़त्म करो इस system को, ये बाहर से पता नहीं क्या घुस बैठी या चीज़ आ गई है, इसको उड़ा दो. तो वो जो immune system active होता है ना, उसको suppress करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है. तो इसे हम कहते हैं अटेम्प्ट्स टू ओवरकम द इम्यून रिएक्शन. दो अप्रोचेस हैं. पहली अप्रोच ये है कि अच्छी सी मैचिंग की जाए, यानी जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, इफ दे आर मैच्ड प्रॉपरली, यानी अच्छा सा लेबोरेटरी वर्कअप कर लें और इनकी एंटीजेंस मैच कर लें. अब जो ट्रांसप्लांटेशन में एंटीजेंस हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, HLA एंटीजेंस, इनकी मैचिंग की जाती है. एंड दीज आर, यू नो, देर आर trillions of different combinations of antigens. तो ये तो possible ही नहीं है कि donor और recipient का 100% match होगा, possible ही नहीं है, unless donor और recipient जो है वो identical twins हो. अगर identical twins होंगे तो 100% match होगा. अब हम करते ही ये कि we go for a maximum fit,
किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए भी रूल सेट होते हैं कि यार कम से कम इतनी एंटीजेंस मैच करेंगी तो वी विल गो फॉर द ट्रांसप्लांट, इससे कम करेंगी तो हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं करेंगे। सो पहला स्टेप है इस इम्यून रिएक्शन को रोकने का, प्रॉपर मैचिंग ऑफ HLA एंटीजेंस। ठीक है, दी HLA एंटीजेंस आर ऑन द वाइट ब्लड सेल्स, और बाकी सेल्स पे भी होती है, वाइट ब्लड सेल्स पे भी होती है। इसीलिए डोनर का ब्लड ले लेते हैं, रेसिपिएंट का ब्लड ले लेते हैं और ब्लड में से लिम्फोसाइट्स अलग करके उन लिम्फोसाइट्स पर चेक करते हैं कि HLA मैच हो रहा है दोनों का या नहीं हो रहा। सो दैट इज़ वॉट इज़ डन। ओके, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल ट्विन का एग्जैक्ट मैच होगा, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स कहाँ से लाएँ भाई, हर किडनी पेशेंट का आइडेंटिकल ट्विन तो नहीं होगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर किडनी पेशेंट का आइडेंटिकल ट्विन हो उसकी किडनी, नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए HLA मैचिंग नॉट एन ईजी जॉब, फाइंडिंग अ डोनर इज नॉट एन ईजी जॉब। ओके, सो पहली अप्रोच ये है कि आप अच्छा सा HLA मैच वाला डोनर ढूंढें ताकि इम्यून रिएक्शन कम से कम हो। दूसरी अप्रोच ये है कि इम्यून रिएक्शन को रोकने के लिए यू गिव दैम एंटाई इम्यून थेरेपी, इम्यून सप्रेसिंग थेरेपी, ताकि जो टी सेल्स हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए, उनके फंक्शन को रोक दिया जाए, और बेचारे टी सेल्स जब काम नहीं करेंगे तो भले ही आपने किसी का फॉरेन किडनी इसके अंदर डाल दिया है, बाहर का घुस बैठ गया, अंदर आके बैठ गया, लेकिन अब इम्यून सिस्टम रिएक्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि आपने इसको शट डाउन किया हुआ है। शट डाउन कई तरीकों से हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिविंग ग्लूकोकॉर्ड स्टीरॉइड्स देते हैं फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इनहिबिट द जीन्स कोडिंग फॉर सेवरल साइटोकाइन्स, especially interleukin 2 which is important factor for T cell proliferation। तो जब आप glucocorticoid देते हैं तो interleukin 2 नहीं बनता, interleukin 2 नहीं बनता तो T cells proliferate नहीं करते, T cell proliferate नहीं करते तो बल्ले बल्ले किडनी के अगेंस्ट कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। सो यू कैन सप्रेस द इम्यून रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल बाय glucocorticoids, एज अ थायोपरिन इज अनदर ड्रग विच ब्लॉक्स एंटीबॉडीज एज वेल एज टी सेल्स, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स रूटीनली यूज फॉर ब्लॉकिंग टी हेल्पर सेल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ टी सेल्स, ताकि इम्यून रिएक्शन को सप्रेस कर सकें। एंड नाउ देर आर स्पेशलाइज एंटीबॉडीज एज वेल विच पर्टिकुलरली इनहिबिट सर्टेन इम्यून पाथवेज। ओके, तो ये सारे मैकेनिज्म यूज करके इम्यून सिस्टम को शट डाउन किया जाता है, और इम्यून सिस्टम को शट डाउन इसलिए करते हैं ताकि जो फॉरेन किडनी आई है रेसिपिएंट के अंदर, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक न करे। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये जब आप इम्यून सिस्टम को शट डाउन करोगे तो आप सोचो इन्फेक्शन इन पेशेंट्स में बढ़ जाएंगे, इन पेशेंट्स में बेसिकली यू हैव क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ इम्यूनो सप्रेशन। तो अब इम्यूनो सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो इस पेशेंट को फेस करने पड़ेंगे। यूज ऑफ दीज एजेंट्स ऑफन लीव द पर्सन unprotected from infectious diseases, therefore sometimes bacterial and viral infections become rampant. In addition, the incidence of cancer is several times greater in immunocompromised persons. So ek taraf to aap transplantation karke usko successful karne ki koshish kar rahe hain, lekin dusri taraf you are inviting a lot of problems including infections as well as cancer. Now transplantation of living tissue in people has been success. Now ab ye hum details of transplantation yahan pe likhi bhi nahi hai, usko pad bhi nahi rahe. Basically cadaveric transplantation bhi hai, live donor transplantation bhi hai, different types of transplantation which is not the topic here, but what a lovely chapter guys, this is extremely important for you, different types of blood group, blood transfusion, high yield chapter for your clinical life. So ek dafa is video ko acche se sun lo, samajh lo, taki puri life koi problem na ho. Aap se mulaqat hogi agli video mein, bahut jald apna khayal rakhiyega.